जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये जो बैच है हमारी इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, पहली बैच है। हम यहाँ पे जीरो लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें साथियों शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इंग्लिश के, और जो लास्ट में हमारे इसके टर्म्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, सारी चीज़ें बताए जाएंगे, बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे साथियों इंग्लिश की, तो आप सभी को पता होना चाहिए पहली बात कि एक्चुअल में इंग्लिश होता क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि साथियों जो इंग्लिश है, क्या इंग्लिश आपका लैंग्वेज है? हाँ, क्या आपका इंग्लिश जो है ये ग्रामर है? हाँ, क्या इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है? आपके ये माइंड में रन करना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? आपके माइंड में ये चीज रन करना चाहिए, क्या जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, क्या ग्रामर है, कि क्या सब्जेक्ट है, तीनों में से क्या है? हाँ, इज इट लैंग्वेज या इज इट ग्रामर या इज इट सब्जेक्ट? इंग्लिश तीनों में से है तो क्या है? मैं ये सुनता हूँ, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं दादाजी से या मामा जी से, पापा जी से सुना होगा। कहीं लोग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, कहीं कोई कहता है कि इंग्लिश ग्रामर है, कहीं कोई कहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। तमाम चीज़ आपने सीखा होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो इंग्लिश था, इंग्लिश है, सबसे पहले क्या था? जब कोई चीज़ हुआ होगा तो इंग्लिश एक्चुअल में उस टाइम था तो क्या था, मुझे ये जानना है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो वास्तव में देखो, इंग्लिश किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया होगा, बोला गया होगा। जैसे देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो कैसा फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, हिंदी फॉर्मेट में। तो इंग्लिश भी किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया होगा, यानी कि बोला गया होगा, यानी कहीं ना कहीं वो भाषा, बोलने की क्या कहते हैं हम लोग, बोलने जो भी बोल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। कहते हैं ना कि आपका भाषा जो था, जो लैंग्वेज था, वो गलत था, आपका जो बतियाने का तरीका था वो गलत था, गलत भाषा का यूज कर रहे थे, गलत लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। जब कहीं हम लोग झगड़ा करते हैं ना, तो कहते हैं ना, आपने मेरी मम्मी के लिए गलत लैंग्वेज का यूज किया था। तो कहीं ना कहीं जो भी आप हिंदी बोलते हो, भोजपुरी देते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे लैंग्वेज होता है। उसी तरह जो इंग्लिश है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले बोला ही गया हो, तो सबसे पहले इंग्लिश क्या हो जाएगा साथियों, हमारा लैंग्वेज था। अब देखो, तो सर आपके माइंड में ये भी आना चाहिए, सर तब ये लोग जो बोलते हैं ग्रामर है, सब्जेक्ट है, क्या गलत है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, समझो। सबसे पहले जो इंग्लिश था आपका लैंग्वेज था, इस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है। उसी सब को सुधार करने के लिए, क्या चीज़, गलती, त्रुटि, मिस्टेक, समझ रहे हो ना, उसको सुधार करने के लिए एक टर्म को लाया गया, एक टॉपिक को लाया गया, जिसको बोलते हैं साथियों हम लोग ग्रामर, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रामर। जैसे हिंदी में समझो, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ साथियों, मैं हिंदी फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ। अब मैं इससे कुछ गलतियाँ हो जाएगी तो हिंदी क्या हो गया, मेरा भाषा हो गया। जैसे बोल रहा हूँ, बोली को क्या बोलते हैं, भाषा ही तो बोलते हैं ना। मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाएंगे, कुछ त्रुटियाँ हो जाएंगे, तो उसको सुधार करने के लिए हिंदी में क्या आता है, व्याकरण आता है। तो उसी तरह लैंग्वेज इंग्लिश था, इंग्लिश में कुछ गलतियाँ हो जाए उसको सुधार करने के लिए ग्रामर आया था। और उसके बाद हमारे कुछ और भी थे जिन्होंने इंग्लिश को सब्जेक्ट के टर्म में भी रख दिया, कि चलो इंग्लिश को सब्जेक्ट के टर्म भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट के रूप में क्या इंग्लिश आता है, 100 मार्क्स का, तब जाके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी आया था। पहली बात की लैंग्वेज है इंग्लिश, ये जहन में बैठा लेना, कहीं भी जाते हो डिफेंसर सुनते हुए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हु स्पोक्स मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड, ये तमाम चीज़ें अब सुनने को मिलता है। देखो, बहुत सारे बच्चे की अभी एक माइंड में डाउट आ रहे होंगे, सर ये जो क्लासेस है पेड कोर्स के लिए है कि फ्री वाले के लिए? तो मैं इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस है पेड वालों के लिए, ठीक है। अभी आप डेमो के रूप में यूट्यूब पर देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम भी नहीं पता होगा, तो बाय द वे मैं बता दूं, मेरा नाम शशि कुमार पटेल है, ठीक है, बिहार से बिलोंग करता हूँ, ये बातें जान लो। ये पेड कोर्स की बैच है, ठीक है। अभी आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी लाइव चल रही होगी, यूट्यूब पर भी क्या है, ये लाइव चल रही होगी, चीज़ों को आपको माइंड रखें, यूट्यूब पर भी अभी लाइव चल रही होगी, ये क्लासेस 2 से 3 दिन चलेगी, फिर उसके बाद ऐप पे भी चलेंगे, ठीक है।
तो ऐप पे अभी जो देख रहे हो, जिस तारीख को देख रहे हो यानी 17 तारीख को देख रहे होगे, ये जो कोर्स था 16 तारीख तक 199 में मिल रहा था। दिवाली के ऑफर बहुत सारे ऑफर थे, मैंने सोचा था कि बच्चों को बहुत कम रुपए में दे दिया जाए, बहुत बच्चे ने उस पर अच्छे रिस्पॉन्स भी लिए, बहुत सारे बच्चे हमारे ज्वाइन भी किए हैं। तो ये 199 का था। अभी जब आप देख रहे हो वीडियो 17 तारीख को, तब इसकी कोर्स की प्राइस क्या हो गई होगी, हाई हो गई होगी, यानी कि प्राइस बढ़ चुकी होगी। ये बातें याद रखना, ठीक है। चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। छोटा सा टर्म बताना था, लेकिन हाँ, जिनको लगता होगा हाई है, तो अभी यहाँ पे एक कोड चलेगा। आपको जब भी जाओगे कोर्स में एक कोड मिलेगा, अभी फिलहाल 2 दिन के लिए वो भी ऑफर रहेंगे। कोड जैसे ही लगाओगे कुछ परसेंट, 40%, 50% या 30% जो भी होंगे वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन इतना में नहीं मिलेगा। ये ऑफर दोबारा कभी नहीं आ सकता, ऐसा ऑफर जिंदगी में नहीं आ सकता, दोबारा बता रहा हूँ, चीज़ें समझना है। चलो अभी हम अपने टॉपिक पर आते, छोटा सा भाई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे, मैं मेरे को क्यों नहीं बताया, मैंने कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो अभी भी आपके समय है, फिर क्या पता वो कूपन कोड भी ना मिले, समझ रहे हो ना, ऑफर के फायदा उठाना चाहिए। हमने बात किया साथियों, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, मेरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, सशी कुमार पटेल, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हो, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, इंग्लिश बाय सशी पटेल, और प्लेलिस्ट भी बने होंगे पीवीआर स्टडी पे इंग्लिश बाय सशी पटेल के नाम से, ठीक है। चलो, इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, बात आना चाहिए सर ये लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश में आते कैसे, लैंग्वेज निकलते कैसे, जान में ये भी आना चाहिए, आपके नसों के ऑर्बिट में ये भी दौड़ना चाहिए कि सर इंग्लिश में जो लैंग्वेज है, सर ये लैंग्वेज एक्चुअल में निकलते कैसे, कैसे बनते हैं लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज तो बोल दी, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी आते कैसे, तो हम जिसे बोल रहे अभी कैसा बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं जो भी साउंड निकाल रहे हैं, और साउंड जैसे हमारे कानों तक आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं अभी, हिंदी फॉर्मेट में, तो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा आई एम एस के पटेल फ्रॉम बिहार, तो इंग्लिश में यहाँ से निकला और मेरी कानों ने ऑब्जर्व किया, मैंने सुना क्या, आई एम एस के पटेल फ्रॉम बिहार, तो इंग्लिश फॉर्मेट में सुना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से साउंड निकलता है, यानी कहने कहीं से साउंड आता है, और साउंड का हमारे कानों सुनते हैं, कान से जब सुनते हैं तो जो सुनते हैं जो फुल फॉर्मेट में वही लैंग्वेज हो जाता है। तो कहने कहीं एक चीज़ आता है, लैंग्वेज साउंड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं साउंड पर डिपेंड करता है। जैसे साउंड हम नहीं गांव में बाजा आता है, आता है बाजा, देखिए होगे अभी दुर्गा पूजा में बाजा भाई डीजे बजा, दमदार तरीके से बजाए होगे ना डीजे आप सभी, तो साउंड कहते ना आपके साउंड बॉक्स बेकार है, कहते ना कि हमारे गांव में आके साउंड बॉक्स एकदम महा बेकार है, पूजा में एकदम नाश कर दिए थे, बढ़िया तरीके से नहीं बजा था। आप लोग बोलते हो, बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे ये साउंड बॉक्स वाला बहुत बेकार है, अच्छे से इनकी बाजा बजी नहीं रहती, साउंड यानी कि आवाज़। अब साउंड बॉक्स में तुम भोजपुरी गाना बजा रहे हो तो भोजपुरी साउंड आएगा, हिंदी गाना बजाओगे तो हिंदी साउंड आएगा, और साउंड जो आएगा हिंदी, हिंदी लैंग्वेज कहला जाएगा, बात सीधी सी है। अब इतना पे भी नहीं समझ पाओगे ना, तो अब बच्चा नहीं हो, पहली क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, इतना पे भी पहली क्लास के बच्चा भी समझ जाता है, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब आ जाओ, आपको एक और माइंड में, जहन में क्वेश्चन आना चाहिए साथियों कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो बता दिया मुझे कि लैंग्वेज साउंड से बनता है, बट हम पढ़ रहे हैं साथियों इंग्लिश, इंग्लिश में साउंड कहाँ से आता है। मैं तो जान गया कि भोजपुरी गाना बजता है तो उसमें गाना गाया रहता है तो समझ में आता है, हिंदी से रहता है, ख ख का कॉम्बिनेशन रहता है। तो सर ये जो इंग्लिश में जो साउंड होता है वो क्या चीज़ से बनता है, तो देखो इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो लेटर से बनते हैं, क्या चीज़ साथियों, लेटर्स से, क्या चीज़ है साथियों, लेटर्स, लेटर नहीं, एक होता है लेटर, लेटर यानी कि क्या होता है बताओ, लेटर यानी कि के बाद, एक होता है लेटर यानी कि पत्र, एक होता है लेटर्स अक्षर। देखो ये जो लेटर्स होते हैं समझना, इनके पास 26 लेटर, 26 का संग्रह होता है, और इस लेटर के पास 3 पार्ट होता है, समझना, एक तो होते हैं आपको साथियों कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक होता है साथियों वावेल, एक होता है साथियों सेमी वावेल। अब देखो समझना, फिर इसे नोट भी करना है आपको बारीकी से, कॉन्सोनेंट में साथियों आपको 19 हो जाते हैं, इसमें रहता है साथियों 2, इसमें हो जाता है 5। अब देखो डब्ल्यू एंड वाई इसमें हो जाते हैं,
ए ई आई ओ यू इसमें आ जाते हैं, और बाकी जो 19 रेस्ट बच जाते हैं, बाकी रेस्ट जो रेस्ट बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। समझ गए? अब देखो एक और यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके एक चीज तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों वर्ड। जिसको क्या बोलते हैं साथियों? वर्ड। क्या बोलते हैं साथियों? वर्ड। कॉन्सोनेंट, वॉवेल या सेमी वॉवेल बोलो, कोई बात नहीं, इनको मिला करके एक चीज बनाते हैं वर्ड। अब एक बात दिमाग में ये वेजा में डाल लो साथियों, दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके साथ वॉवेल लेटर नहीं आता, जिसके साथ वॉवेल लेटर नहीं आता हो। और एक चीज और बात जान लो, साउंड आपके 44 होते हैं। आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर लेटर 26 से साउंड 44 है, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? तो देखो इधर जगह है ना, आ जाओ। जैसे आप लिखते हो रा म न, ठीक है, आपको पता है कि आर से रा होता है, एम से म होता है, एन से न होता है, तो फिर आप क्यों नहीं रमन के स्पेलिंग आर एम एन क्यों नहीं लिखते हो? ए मुझे बताओ क्यों नहीं लिखते हो रमन के स्पेलिंग आर एम एन, क्यों? एक्चुअली जानना चाहते क्यों नहीं लिखते हो, समझो? क्योंकि आपके आपका साउंड कितना 44 है। और ग्रामर ये भी कहता है, ग्रामर का रूल ये भी कहता है, ग्रामर ग्रामर की दुनिया की जो रूल है ये भी कहते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जब बनाते हो तो बिना वावेल के नहीं हो सकता है। एक कहानी इसके पीछे ये है कि जो हमारा पुल होता है ना, पुल पे कभी भी कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते, यानी कि हमें ब्रेक होना चाहिए। यानी कि रोड में देखो, अचानक रोड में ब्रेकर नहीं होगा ना, रोड में ब्रेकर, ब्रेकर समझते हो ना, नहीं होगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो ब्रेकर का काम करता है आपका साथी रोड में, ये ए ई आई ओ करते हैं, जैसे आर एम एन, आर एम एन बोलने में अजीब लग रहा ना, रमन आर एम एन ऐसे बोलेंगे हम लोग, नहीं बोलेंगे, रमन बोलेंगे आर एम एन। जैसे इसके साथ आप वॉवेल लेटर का यूज करते हो आर ए एम ए एन। अब देखो किसके साथ ए यूज करते हैं, किसके साथ यू यूज करते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। ज्यादातर दो ही लेटर के यूज करते हैं, एक तो यू एक तो ए। कौन सा यूज करते हैं? एक तो ए यूज करते हैं, एक तो यू, यही दो लेटर वर्डों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि हम लोग शुरुआत टर्म सीख रहे हैं, शुरुआत में सारे चीजें सीखो जो आपके काम की लाइक है। ये जो ये वर्ड है ना, ये जब दो या तीन लेटर को जोड़ने की जरूरत हो, जब मोर देन टू, मोर देन टू लेटर्स, जब दो लेटर्स अधिक लेटर को जब जोड़ते हैं तो वहां पर ए का यूज करते हैं, लेकिन जब दो लेटर को जोड़ना हो तब यू का यूज करते हैं। जैसे पुट पी यू टी यू आ गया, कट सी यू टी दो लेटर को जोड़ना है तो यू आ गया, नेट एन ई टी नेट ई आ गया, ठीक है, जैसे पेट पी ई टी पेट ई आ गया, तो दो लेटर को जोड़ने के लिए यू ई जब भी कुछ वर्ड है उसको लगाते हैं। लेकिन दो से अधिक, जैसे शशि, मेरा नाम क्या है शशि, मैं कैसे लिखूंगा एस एच ए एस एच आई, दो लेटर से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे ए के यूज किए, दो लेटर से ज़्यादा था, समझ रहे हो ना? तो वो बातें यहाँ पे होती है, चीज़ों को समझना होता है। तो छोटी सी कंसेप्ट थी, आपको समझ गए होंगे क्यों हम वॉवेल लेटर लगाते हैं, क्योंकि साउंड आपका 44 होते हैं जबकि लेटर 26 ही होते हैं। समझ गए ना? ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं पहले बताओ? ये चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटी मोटी कंसेप्ट आपको सीखना है साथियों, नहीं सीखोगे फिर कभी नहीं समझ पाओगे। अब देखो ये जो वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, वर्डों का समूह, वर्डों का समूह बनकर एक चीज बनाता है। वर्ड मिलकर क्या बनाता है साथियों? सेंटेंस बनाता है। और ये सेंटेंस पता है क्या बनाता है? पता है क्या बनाता है सेंटेंस? सेंटेंस साथियों आपका एक पैराग्राफ का तैयार करता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ से पता है साथियों क्या बनता है? एक एक चीजों को देखना, फिर से रिवीजन कराऊंगा, फिर से बताऊंगा। ये बेस है आपका, इंग्लिश का बेस है। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश का भी तो मैं अभी नहीं छुआ हूँ। ये तो आपके निचली सतह के ऊपर काम किया जा रहा था। पहले पेड़ लगाने से पहले मिट्टी खोदते है ना, ये मिट्टी की खुदाई हो रही है, समझना। सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, हाँ, पैराग्राफ से फिर क्या बन जाता है? स्टोरी। बहुत सारे पैराग्राफ मिला लेते हैं बुक में, क्या होता है, एक पैराग्राफ दो तीन चार पाँच छः पैराग्राफ मिलकर एक स्टोरी बन जाता है। स्टोरी से मिलकर फिर क्या बन जाता है साथियों? बहुत सारे स्टोरी मिला लेते हैं, एक ग्रंथ का तैयार हो जाता है, समझना। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है।
लैंग्वेज कहाँ से आता है? साउंड से। साउंड कहीं ना कहीं इंग्लिश में लेटर से आते हैं। लेटर इंग्लिश में कितने होता है? 26 होते हैं। और इस 26 लेटरों के समूह को साथ अल्फाबेट भी बोला जाता है, अल्फाबेट। अब इसमें कोई एस नहीं लगा देगा, एस लगा देगो ना तो उसका मतलब भाषा हो जाता है, सिर्फ अल्फाबेट ही होगा, समझ लो ना, सिर्फ अल्फाबेट ही होगा, ठीक है। लेटर में कॉन्सोनेंट वोवेल सेमी बोले होते हैं, लेटरों को इन सभी को कॉन्सोनेंट वोवेल सेमी को जोड़ेंगे। सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं आएंगे, लेटर मैंने सिखाते हैं वर्ड बनाने के लिए कहीं ना कहीं वोवेल की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। विदाउट वोवेल वी कांट क्रिएट ए वर्ड, एक वर्ड नहीं बना सकते, क्रिएट नहीं कर सकते वर्ड का, तो वहाँ वोवेल होना जरूरी है। देखो यहाँ भी बीच में वोवेल था। फिर वर्ड से क्या बनता साथियों? सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनता? पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ से तैयार करते एक स्टोरी, स्टोरी से इपिक्स तैयार हो जाता। ये छोटी सी मेरी बेस थी, अब ये जान ली। अब जहन में आपको एक और चीज़ आना चाहिए, सर हमको इसकी डेफिनेशन दिखा दो, सर हमको इसकी डेफिनेशन चाहिए, आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहली बात आपको लेटर, लेटर समझना पड़ेगा। अब कोई ये नहीं पूछना कि सर इंग्लिश का डिफिनेशन लिखवा दो, इंग्लिश का डिफिनेशन क्या लिखवाऊंगा साथियों, बोल के मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हु स्पोक मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा बोला जाता है। इट इज ए पॉपुलर लैंग्वेज, ये भी लिख सकते हैं। कुछ ज्यादा डिफिनेशन का कुछ नहीं होता है, डिफिनेशन आप तय करो ना, मैं तो आपको कुंजी दे दूंगा। ये चीजें आपको बेस समझ में आया ना, जो मैं बेस बताया समझ में आया ना। चलो देखो, लेटर लिखा हुआ है, लेटर देखो स्पेलिंग मैंने खुद गलत लिख दिया लेटर का, तो वो आप सुधार कर लेना है। वहाँ पे एल एल डबल टी ईयर होता, और टाइप मिस्टेक है टाइपिंग में, तो हो जाएगा लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो लेटर होते हैं ना, जो लेटर होते हैं ना, वो अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आपको समझना है वो कैसे छोटी इकाई होती है। देखो जैसे आप ऑर्बिट देखे होगे ना, ऑर्बिट समझते हो ना, जैसे यहाँ पे स्थित होता है क्या साथियों, फिजिक्स पढ़े होगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे रहते हैं, और मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मूवमेंट करते होते हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ यहाँ जहीं भी देखो, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं हमेशा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा चीज हो सकता है क्या? क्या प्रोटॉन से भी छोटा कोई चीज हो सकता है क्या? बताओ, इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिस तरह फिजिक्स का, उसी तरह आपका इंग्लिश दुनिया का जो लेटर होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चीज नहीं हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को तोड़, देखो पहले कोई भी एक वस्तु होता है उसको तोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, तोड़ते तोड़ते एक चीज पाते हो आप, क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या पाते हो साथियों? इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई जो होती है आपके साथियों, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर। क्या होती है साथियों? लेटर। और लेटर के पास कितने कितने उसके पास मतलब फैमिली में मेंबर होते हैं? लेटर के पास कितने मेंबर होते हैं? 26। कौन कौन होते हैं? कितने कितने कैटेगरी के होते हैं? तीन कैटेगरी के। देखो ना, इस तरह से याद करो कि लेटर लेटर है 26 फैमिलीज, एंड मतलब डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, कॉन्सोनेंट वोवेल सेमी वोवेल। कॉन्सोनेंट के पास 19 गो रहते हैं, 19 गो का अधिकार है, वोवेल के पास 5 गो लोग हैं, और सेमी वोवेल अकेले 2 ही को बच जाता है, बेचारा सबसे कमजोर यही है, और ये सब मिलकर के वर्ड बना देते हैं। हाँ, तो चलो लेटर को समझ लिया ना, लेटर क्या सबसे छोटी इकाई है आपका। देखो अल्फाबेट, यहाँ पे अल्फाबेट, अल्फाबेट का डेफिनेशन आ गया। मैं तमाम चीज़ों का डेफिनेशन दूंगा, सब कुछ लिखा हुआ फॉर्मेट में मिलेगा साथियों, समझ रहे हो ना, सब कुछ लिखा हुआ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। आप लोग एक एक चीजों को नोट डाउन करना है और बारीकी से सीखें। देखो अल्फाबेट का क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप ऑफ 26 लेटर, 26 लेटर का ग्रुप इज कॉल्ड अल्फाबेट। 26 लेटरों का समूह को अल्फाबेट कहते हैं। नहीं समझे ना? देखो क्या आप अकेले ए को अल्फाबेट बोल दोगे? नहीं, ये लेटर क्या है? या इस अकेले बी को अल्फाबेट बोल दोगे? नहीं। क्या ए बी सी को अल्फाबेट बोलोगे? नहीं, ये लेटर है, ये अल्फाबेट नहीं है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई पी आई सी? क्या ये आपके अल्फाबेट है? नहीं, इट इज द वर्ड एंड ग्रुप ऑफ लेटर है, बट 26 लेटरों का समूह नहीं है, जैसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में होना चाहिए था, जो उनका स्ट्रेटजी फॉर्म होना चाहिए था वो नहीं है। ये वर्ड एक्चुअल में वर्ड कहलाएंगे बट अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है गलत है। क्या मैं जेड एफ एच एच
कुछ भी लिख दूंगा, क्या उसको अल्फाबेट बोलोगे? नहीं, उनका एक अपना एक ऑर्डर होता है। कैसा होता है? ए फिर बी फिर सी फिर डी डॉट 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 लास्ट में जेड। इस तरह के उनका एक ऑर्डर फॉर्मेट होता है, वो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा तब वो अल्फाबेट कहलाएगा। जब फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। क्या आप इसे अल्फाबेट बोलोगे? क्या मैं जैसे लिख दिया सी डी एफ जे के, क्या ये अल्फाबेट है? नहीं, इट इज लेटर नॉट अल्फाबेट। ये लेटर कहला सकते, इट इज कॉल्ड लेटर। ऑल्सो देखो सी भी लेटर है, डी भी लेटर है, एफ भी है, जे भी के, ये भाई लेटर कहलाएंगे बट अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए देखो लिखा गया है द ग्रुप ऑफ 26 लेटर, जो 26 लेटरों का संग्रह होता है ना, जो एक सीक्वेंस फॉर्मेट होता है ना, उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। समझ में आ गया ना अल्फाबेट क्या होता है? समझ में आए तभी बताना है, क्योंकि आपकी एक भी डाउट्स बहुत ज़्यादा ब्लंडर क्लियर कर सकते हैं, और बारीकी से पढ़ना है। और देखो साथियों, जो आपके दोस्त, जो आपके कलीग, जो आपके भाई अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, प्लीज़ जा करके आप सभी को क्या करना होगा, उनको बताना है कि बारीकी से जीरो लेवल से चीज़ों को बताए जाते हैं, और उन्हें भी प्रोत्साहित कीजिए इस कोर्स के बारे में। अभी भी इस कोर्स में आपको एक प्रोमो कोड दिए जाएंगे, जिसके जरिए आप इसमें आपको कुछ छूट मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैथ जीरो लेवल से बिल्कुल नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं आता होगा ना, तब भी आप भी मैथ के भी ऑफर चल रहे थे जो 10 नवंबर तक था, वो अभी तो एंड हो चुके हैं, फिर भी आपको प्रोमो कोड दिए जाएंगे जिसके जरिए आपकी कुछ परसेंटेज छूट मिल जाए और आप कोर्स को ज्वाइन आसानी से कर सको। समझ रहे हो ना? तो जा करके PBR स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आज ही, और जीरो लेवल मैथ जीरो लेवल इंग्लिश सीखते रहना, और साथ ही साथ साइंस का भी बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, सारे जिम्मेवारी हम लोग पूरा करवाएंगे आपको, वो सारे कंसेप्ट सारे राज हम लोग करवाएंगे। ये चीज आ गया ना, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया वर्ड। यहाँ पे है ना वर्ड, अब वर्ड का भी डिफिनेशन आपके साथ लगवा दिया, एक्चुअल में वर्ड होते क्या है। अभी इसमें देखो सेंटेंस के बाद यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आता, साथियों मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अरे साथियों यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डाल लो ना, बहुत सारे इसमें भी हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ इसलिए छोड़ देते हैं, इसको अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सेंटेंस के बाद सेंटेंस में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कहने के पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ही तो होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ही तो सेंटेंस में होता है। सब्जेक्ट नाउन होता है कि प्रोनाउन होता है, कौन होता है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही तो हिस्सा हुए ना। तो वो इसलिए नहीं बता रहे थे कि क्योंकि अलग टॉपिक्स में उसको चर्चा कर दी, लेकिन बात कर रहे वर्ड, वर्ड क्या होता है? तो बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। लेटर का समूह तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट उसके अपने आप में मीनिंग होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड वर्ड। अब देखो समझना, सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, प्यार से समझना। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे EPA, क्या ये वर्ड कहलाएंगे? इज इट वर्ड? इज इट वर्ड? नो, नेवर। इज इट ग्रुप ऑफ लेटर? आई नो ये लेटर का समूह है, बट इट हैवंट प्रॉपर मीनिंग, इट हैवंट कंप्लीट मीनिंग, सो इज इट नॉट कॉल्ड, सो इजंट कॉल्ड वर्ड। इसलिए इसे वर्ड नहीं कहेंगे, समझ लो ना, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। लेटर का समूह तो है बट इसके पास नो मीनिंग, कोई मतलब इसका नहीं है, नो मीनिंग, सही बोल सकते सर, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। जब कोई वर्ड मीनिंगलेस होता तो वर्ड कहलाएगा क्या, मुझे बताना। अब इसी को थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख दो, इसी को क्या कर दो, थोड़ा प्यार से कर दो, क्या कर दो, PEN लिख दो। कैसे? जैसे देखो मैंने लिख दिया PEN। अब देखो लेटरों का समूह तो है, लेटर का समूह तो है, और साथ ही साथ इसका मतलब निकलता है क्या, कलम। इसका कुछ मतलब भी है, कुछ मीनिंग भी है, समझ रहे हो ना। अब देखो आपके जहन में एक भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्या सर आपने तो बताया सर ग्रुप ऑफ लेटर होगा तभी वर्ड होगा, क्या एक साथ एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है, जस्ट लाइक ए। जैसे आप लिखते हो, जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, लिखते हो ए, ए का मतलब होता है एक, इसमें कंप्लीट मीनिंग है। जैसे लिखते हो आप आई, आई मतलब मैं, इसका भी कंप्लीट मीनिंग, आई भी आपका एक लेटर वर्ड है, वर्ड के रूप में काउंट होता है। लेकिन एक एक लेटर का भी आपका वर्ड हो सकता है,
जहन में आपका आना चाहिए, आपके नसों में जो आपका ये वेनस बोल देना, आपके माइंड में आना चाहिए क्या सर एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है क्या ना? ये आना चाहिए दिमाग में, खट देना क्वेश्चन, टक देना लगना चाहिए। जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ लेटर, आपको माइंड में आना चाहिए ना कि सर जी आप कह रहे हो ग्रुप ऑफ लेटर, मानता हूँ आपकी बात, तो मुझे बताओ क्या एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है क्या? आई वॉन्ट टू नो, इज इट पॉसिबल टू मेक, क्या ये पॉसिबल है मैं बनाना कि एक लेटर के भी वर्ड बना सकते हो? हाँ बना सकते हो, आपके सामने है ए आई, समझ रहे हो ना? चलो बहुत अच्छे, समझदार व्यक्ति हो, समझ रहे हो तो बस बताते रहना मुझे, कहीं भी दिक्कत हो तो फिर भी बताना। तो ये समझ में आया ना कि हम वर्ड कैसे बोलेंगे जब उसका कंप्लीट मीनिंग हो, जब उसका कुछ बहुत अच्छा खासा उसका मीनिंग आ जाए तब उसे ही हम वर्ड बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई ना? चलो वर्ड, वर्ड से हम लोगों ने क्या चीज़ तैयार किया? सेंटेंस। अब सेंटेंस किसे बोलोगे? अब साथियों मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मिटा सकता हूँ ना, परमिशन हो तभी मिटाऊंगा, क्योंकि आप ही मेरे मेहमान हो। मैं एक साइड का हिस्सा मिटा देता हूँ, इस साइड का हिस्सा ये रहने देता हूँ, क्योंकि अभी इसके बारे में चर्चा करना है ना, मिटा देता हूँ। ठीक है चलो, आप ये कहना मानता हूँ, मिटा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें चर्चा करना है। चलो ये हटा दूँ ना, आ जाओ, बहुत प्यार से देखना साथियों। और मैं एक बात कहता हूँ ना, ये जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ से देखो, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं करूँ, बट जीरो लेवल जो इंग्लिश होते हैं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर दोगे, इंग्लिश इस लेवल तक आपको स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। और सर मैथ तो पढ़ाते ही हैं, पता है, मैथ के दीवाने भी हो जाओगे, मैथ तो पढ़ते ही होंगे, मैथ की क्लासेस शाम 7 बजे से चलती है 9th की, हाँ समझ रहे हो ना, डीएलड वाले ही बच्चे देखते होंगे, 10 बजे चलती है डीएलड की, DLED बोलते हैं साथियों, डेढ़ नहीं बोलते हैं। चलो कोई ना, मैथ की भी क्लासेस देखना, बाकी जिसको टाइमिंग नहीं पता होगा ना, सबसे आइकन पे ही दिखाई देता होगा, शाम पाँच बजे चलता है इंग्लिश का बैचेज, सब कुछ दिखाई देता होगा, टाइमिंग सब कुछ लगा हुआ भाई। तुम आपके लिए हम ना, हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं, ठीक है, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान दो तो बहुत ज़्यादा कुछ काम हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम लिमिटेड होते हैं, उतने में सब कुछ बताने होते हैं, अब बहुत कम टाइम बचे हैं, क्योंकि आज बहुत सारा टेक्निकल इशू का हम लोग फेस करना पड़े। देखो सेंटेंस, सेंटेंस की बात कर रहे तो समझो, कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंटेंस। बताओ इतना सारे मैं क्यों लिखा हूँ? बहुत सारे बुक में रहता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है, बहुत सारे बुक में ही रहता है ना साथियों, द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। देखो इतने सारे लिखने के पीछे राज, कुछ राज था, कुछ डाउट्स था, तभी इतने सारे कुछ जोड़ा हूँ इसके साथ। बुक के हिसाब से चलो कहते हैं बुक ये कि वर्डों का समूह का हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं। जरा गौर फरमाइएगा साथियों, मैं लिख दूं राम आर राम आर गुड, वर्ड का समूह तो है, क्या ये सेंटेंस है? तो नहीं, तो आपको ये धारणा निकाल देना चाहिए, एक डिफिनेशन माइंड से निकाल देना चाहिए आपको कि वर्डों का समूह सेंटेंस नहीं कहलाता है, साथ ही साथ उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर गलत था साथियों, इसका स्ट्रक्चर गलत था, यहाँ पे ई जाना चाहिए था तब जाकर सही था, इसका स्ट्रक्चर गलत था इसलिए स्ट्रक्चर लिखा हूँ। अब देखो इसका मीनिंग भी कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने लिख दिया राम किल्ड मी, क्या सेंटेंस सही है? क्या सेंटेंस सही है? देखो आपके ग्रामर के रूल के अनुसार इसका मतलब भी, मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग भी है, राम ने मुझे मारा कंप्लीट मीनिंग है, ग्रुप ऑफ लेटर भी है वो भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, फिर भी मैं कहूँगा सेंटेंस गलत है, प्रैक्टिकल लाइफ में गलत है। देखो यही ना कह रहा, द ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, इसका मीनिंग है भाई, ठीक है, एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी सही है और वर्डों का समूह भी है, फिर भी सेंटेंस गलत क्यों है? समझो इसका कॉन्टेक्स्ट किस नहीं ऐड ऐड कर लेना, कॉन्टेक्स्ट भी सही होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मतलब उसका जो प्रभाव, जो उसका रिफ्लेक्शन। अब जैसे देखो राम ने मुझे मारा, किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना, हत्या कर देना। मुझे बताओ जब राम ने मुझे मार दिया था, यानी कि मैं
जो मैं मेरे को मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि राम ने मुझे मारा, जब मैं मर ही चुका हूँ, जान से मैं ख़त्म हो गया, तो फिर मैं बोल कैसे रहा हूँ? जरा गौर फरमाइए, जरा जो मतलब दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए। सेंटेंस देखिए, बहुत सारे एग्जामों में सही सेंटेंस माने जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए, इसके वास्तव में प्रैक्टिकल करके देखा जाए, सेंटेंस गलत है। बहुत सारे टीचर इसे सही मानते चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में सोचो, जब राम ने मुझे मार ही दिया तो फिर मेरे साथ जिंदा कैसे, मैं बोल कैसे रहा? मेरा कत्ल हो गया, मैं मर गया एक्सीडेंट से, राम ने मुझे मार दिया, मैं मरा हूँ, फिर मैं बोल कैसे रहा? बताओ कैसे बोलूँगा? आई वॉन्ट टू नो, कैसे बोल सकता हूँ भाई? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह पे ये सेंटेंस सही है, 100% सही होगा। कौन सा जगह माइंड में आना चाहिए आपको? कौन कौन सा विद्यार्थी जो हॉरर मूवी देखता है मुझे बताओ, कौन सा भूत वाला फिल्म देखता है? मैं तो भाई डर जाता हूँ, सही बताऊँ तो मैं तो पूरी डर जाता हूँ, लेकिन अब नहीं डरता। मैं देखता हूँ ना कि भूत आ रहे हैं ना, एक बार चलो रिप्ले हुआ, फिर मैं उसी को देखता हूँ, फिर पीछे करूँगा, तीसरी बार फिर मैं डर खत्म हो जाता, चौथी बार में, पहली बार मैं एक बार तो मोबाइल ही फूट जाता। ये न्यू फोन अभी लिया हूँ फिलहाल में, इससे पहले एक फ़ोन था तो मेरा मोबाइल फूट ही जाता। फिलहाल आपकी कृपा थी कि मोबाइल मैंने ले लिया, ठीक है। तो वो मोबाइल मतलब फूट ही जाती, मतलब भाई को दे दिया, पढ़ता उससे, ये वो भी ये कोर्स लिया, ठीक है। तो वो जो मूवी होता है, मूवी में क्या होता है, एक भूत होता है, और भूत देखते हो ना, ओझाई होता है, कौन फुलवा गौलू कितवा होते गाता है सब, तो आप ओझाई होता है, तो भूत उखाड़ता ना किसी व्यक्ति के देह पे, कहता ना हाँ मुझे ने श्याम ने मारा था, मैं श्याम ने मारा, तो यानी कि उसको बुलवा रहा है किसी के द्वारा, यानी कि भूत वाले मूवी में ये जो सेंटेंस है सही बा, ये जो सेंटेंस है भूत वाला फिल्म में सही है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सेंटेंस गलत है। इसका मीनिंग भी सही है, इसका स्ट्रक्चर भी सही है, सारी चीज़ सही होने के बावजूद भी गलत है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस तभी बोल सकते साथी वो उसका कंप्लीट मीनिंग हो, साथ ही साथ स्ट्रक्चर सही हो, साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, मीनिंग यानी कॉन्टेक्स्ट भी सही हो। मीनिंग तो सही है इसका, कॉन्टेक्स्ट गलत था उसका, कॉन्टेक्स्चुअल ही गलत था ये। तो ये ऊपर वाला का स्ट्रक्चर गलत था, ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड भी सही, ग्रुप ऑफ वर्ड भी सही था, इसका मतलब था राम अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, अकॉर्डिंग टू ग्रामर के रूल के अनुसार जो इसका स्ट्रक्चर था वो गलत था, क्योंकि ये राम सिंगुलर था, इसके साथ वर्ब भी क्या रहना चाहिए था, सिंगुलर रहना चाहिए, इसलिए गलत था। ये क्यों गलत था? क्योंकि डेली लाइफ में जो हम लोग कुछ भी यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये गलत था, सब कुछ इसका सही था, कॉन्टेक्स्ट गलत था, लेकिन आप इसे सही कर लो आपके लाइफ के लिए, मतलब आप मान सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये गलत है, ठीक है। सेंटेंस आ गया ना समझ में? सेंटेंस में फिर भी कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो, कोई बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति यहाँ जुड़े होंगे हमारे साथ, बहुत सारे टीचर भी जुड़े हुए होंगे, तो देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, किसी भी कोई भी वक्ता, कोई भी टीचर, कोई भी पढ़ाता हो तो आपको ये होना चाहिए, कोई व्यक्ति मेरे को सही पढ़ा रहा है, कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, उन बच्चों से तो अलग है ना, जो बाकी जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो कि गलत काम, गलत तरीके से कुछ भी करते हैं, उनसे तो अलग है ना। आपको ये करना चाहिए कि अप्रिसिएट करें और भी अच्छा कुछ करिए, जो भी व्यक्ति आपको पढ़ाता है छोटे एज में कुछ भी, तो उसको कंटेंट देखिए किस लेवल पर पढ़ाता है, ये नहीं कि उस पर जजमेंट करने लगी है, थोड़ा और क्वेश्चन पूछूँ, इसको चेक करता हूँ। मैंने बचपन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे चेक करने के लिए। देखो साथियों, आपको चेकआउट नहीं करना चाहिए, आपको भी लगता है आप भी आइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, आप भी गर्दा बढ़ाइए, ठीक है, किसी को कमियाँ नहीं निकालिए, क्योंकि कमियाँ निकालने से उसको एक से दो दिन के लिए आप डिमोटिवेट कीजिएगा, लेकिन वास्तव में आप बहुत नीचे जाते हो, आपके लिए भी प्लेटफॉर्म है, आप भी जाइए, बहुत सारा कुछ कीजिए, ठीक है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ये हम टीचरों के लिए बताएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे भी हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं साथियों, मैं बताऊं तो क्या बताऊं, उनके बारे में जो भी बोलो कम ही है, ठीक है। इस थोड़ा स्लाइड को नीचे करना पड़ेगा, चलो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड लग गया। कह रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने सेंटेंस के बाद क्या बात किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो, समझना इसको, बहुत सारे लोग गलत तरीके से इसको ले लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है, क्योंकि समझ जाओगे, समझ समझ के काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से करोगे, और ना समझी से करोगे तो फिर गिर जाओगे गड्ढे में। कहते हैं ना हमारे घर के दादाजी रहते हैं तो, कि बेटा कोई भी काम करो तो समझ समझ के काम किया करो। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग करते हैं, समझना है, जितने भी आपके इंग्लिश में वर्ड है ना, हाँ इंग्लिश में जितने भी वर्ड है ना कहीं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा दुनिया में कोई वर्ड नहीं है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग नहीं करता,
फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है एवरी वर्ड इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू रोल ए वर्ड प्ले इन ए सेंटेंस। अब बताना आप स्पोकन करते होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन की होगा, आई नो वेरी वेल। तो आप जो कुछ बोलते हो कहीं ना कहीं सेंटेंस फॉर्म में होता है, कहीं ना कहीं फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? कहीं ना कहीं क्लोज होता है। भाई क्लोज क्या होता है? क्लोजों को मिला देते हो। हाँ क्लोज क्या करते हो? मिला देते हो, सेंटेंस बन जाता है ना। समझ रहे हो ना? सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होते हैं। मेन सेंटेंस में आपका एक सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोज को मिलाते हो तो सेंटेंस तो बनता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं वर्डों का समूह ही तो होता है ना क्लोज, चाहे कुछ भी। तो वो सेंटेंस में एक्चुअल में जो वर्ड होते हैं, कहने का मतलब ये कह रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कहता है कि जो सेंटेंस में आप जो भी वर्ड यूज करते हो, जैसे देखो माई, दिख रहा है ना, माई नेम इज शशि, ठीक है, माई नेम इज तो प्रिया यार चलो माई नेम इज, ठीक है, शशि, ठीक है, फ्रॉम बिहार, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, सेंटेंस में देखो माइक, ये माइक क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा। माइक क्या आपका? एक पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या साथियों? पोसेसिव प्रोनाउन है। नेम, नेम क्या आपका साथ? नाउन है, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन किसके साथ लगाते हैं? नाउन के साथ लगाते हैं। ये क्या? नेम क्या आपका? नाउन है। तो नाउन भी क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इज, इज के आपके साथ वर्ब है, वर्ब भी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। शशि, जो शशि यूज किए, शशि यूज किए हैं, ये भी क्या है? नाउन है। नाउन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ही होता है। आ जाओ फ्रॉम, फ्रॉम क्या साथियों? प्रीपोजिशन है। क्या साथियों? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन भी क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। आ जाओ बिहार। अब देखो साथियों एक चीज और, आर्टिकल को ले लेते हैं, आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल क्या होता है? बिहार क्या है? नाउन है। नाउन भी क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। अब देखो मैं लिख दूंगा कि ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉय। अब आज ये क्या है आपका? प्रोनाउन है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इज क्या है? वर्ब है भाई, एक्जिलरी वर्ब है, वर्ब का हिस्सा है ना, तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ही है। आर्टिकल ए, ये क्या होता है? कहो के साथ ये क्या होता है? आर्टिकल होता है। बहुत सारे साथियों कहते हैं कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता, मानता हूँ, लेकिन मुझे बताना साथियों आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई ही तो करता है ना, यानी कि किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई के ही काम करता है ना, उसको आइडेंटिफाई ही तो करता है ना, कि डेफिनेट है कि इंडेफिनिट है। भाई कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई ही तो करता है ना, डेफिनेट इंडेफिनिट डिफाइन ही तो करता है। तो कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव का पार्ट हुआ, आर्टिकल एक क्या? एडजेक्टिव का पार्ट हुआ। और एडजेक्टिव क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब आ जाओ वेरी, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? एडवर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करें? एडवर्ब। ये स्मार्ट क्या हो जाएंगे साथियों? एडजेक्टिव। बॉय क्या हो जाएंगे साथियों? नाउन। नाउन भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं, एडजेक्टिव भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। मैं जल्दी में स्पीच नहीं बोल पाता, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बोलता हूँ, लेकिन नहीं सुनाई देते होंगे आपको, प्यार से सुनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा जितने भी सेंटेंस में वर्ड होते हैं ना, वो सभी कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करते हैं। प्यार से समझना, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस लाओ मेरे सामने, उसमें कि जो वर्ड होते हैं ना, जो वर्ड वो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इसीलिए लिखा गया है कि एवरी वर्ड इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी शब्द सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द टर्म समझना, पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू रोल ए वर्ड प्ले इन सेंटेंस। वो रोल प्ले करता है जाकर के सेंटेंस में, कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, कि वर्ब है कि एडवर्ब है, कि प्रीपोजिशन है, कि कंजक्शन इंटरजेक्शन। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे टेंस, नरेशन, ये सब बातें आ जाते हैं, तो टेंस आपका वर्ब का फॉर्म होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ और स्लाइड है, नाउन आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ठीक है, तो ये जो नाउन होता है साथियों, ये चीज़ें समझने से पहले आपको थोड़ा सा मेरे साथ काम करना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा हटाता हूँ नाउन वाले बात को, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं
थोड़ा देर के लिए हाइड करो, आ जाओ, मुझे आपको समझाना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्यार से समझना, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा आप मेरे साथ काम कर लो। अच्छा, प्यार से समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे समझेंगे? मैंने जैसे एक लिख दिया यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही तो होंगे ना। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये था ना अभी थोड़ी देर पहले, स्लाइड पीछे करूँ, हाँ यही तो थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? अब आ जाओ, इसी को थोड़ा यहाँ हाइड करूँगा, समझाना है मुझे। अब देखो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहला होता है साथ नाउन, दूसरा का पार्ट होता है प्रोनाउन, फिर हो जाता है एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, फिर इसके हो जाता है कंजंक्शन, फिर एक हो जाता है साथ में इंटरजेंशन। ठीक है, आ जाओ। देखो एक तो होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये आठ होते हैं। इसके कितने संख्या होते हैं साथियों? आठ होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितने होते हैं साथियों? आठ होते हैं। अब इनकी बारीकी से समझ लो नाउन एक्चुअली क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज समझ लोगे फिर उसके बाद अगले क्लास में जब आओगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देखो ये जो नाउन होते हैं ना ये कुछ नहीं होते, एक नेमिंग वर्ड है। जैसे नेमिंग कहने का मतलब हुआ तो धरती पे ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है, धरती पे यानी जो भी जहाँ जीवित हो जहाँ आप रह रहे हो कोई ऐसा पदार्थ कोई ऐसा वस्तु कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ नाम ना हो। मेरे हाथ में क्या है कमेंट करके बताओ, मार्कर, इसका नाम क्या है? मार्कर, ये भी नाउन है। मेरे हाथ में एक ये अभी देखो माउस है, जल्द माउस भी क्या है, इसका नाम क्या है इस चीज का, इस वस्तु का नाम है माउस, ये भी क्या है? नाउन है। समझना, मेरे पास एक हाथ में क्या है, क्या है ये चश्मा ग्लास, इसका क्या नाम क्या है? ग्लास, ये भी क्या आपके साथ है? नाउन है। मेरे हाथ में कोई एक चीज है इसका भी कुछ ना कुछ नाम है, इसका नाम क्या है? फोन, ये भी आपका नाउन है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ नाम ना हो, नाम है और नाउन है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर रनिंग, रनिंग भी तो नाम है, हाँ शुरुआत में वो नाउन ही होते हैं बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे विल बी चेंज, उनके फंक्शन के अनुसार हम लोग बदल देते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग आप जानते हो वॉक वर्ब है लेकिन रोल कैसा करता है कभी कभी नाउन की तरह भी करता है, तो हम उसके फंक्शन के आधार पे तब जाके हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू डियर फंक्शन इन सेंटेंस वी विल डिसाइड कि इज इट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, हम तब जाकर डिसाइड करते हैं कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। हम लोग मुखौटा देख करके, जैसे मेरे क्या है, मेरे को कोई भी आएगा व्यक्ति तो कहेगा ना कि बच्चा 18 साल का है या कितने साल का बच्चा है और पढ़ा रहा है, तो मेरे को कोई डिसाइड नहीं कर सकता मैं किस लेवल का पढ़ा सकता हूँ, वो डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं रोल कैसा एक्ट करता हूँ। मैं अभी चले जाऊँगा हाफ पैंट पहन के तो मेरे को कोई नहीं जान सकता कि मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ, हाँ समझ पा रहे हो ना? तो डिपेंड करता है ये जो रोल इसको डिपेंड क्या करता है, इट इज डिपेंड, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है क्या इनके फंक्शन पे, कहाँ पे? सेंटेंस में कैसा फंक्शन करता है, तब तक हम डिसाइड करेंगे कि नाउन है, उसको देख करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप मेरे को देख कर डिसाइड नहीं कर सकते, जब मेरे से पढ़ोगे समझोगे तब जब डिसाइड करोगे हाँ ये ऐसा है। तो उसी तरह ये नाउन प्रोनाउन जो एडजेक्टिव वर्ब होते हैं वो अपने सेंटेंस के फंक्शन के आधार पे अपने आप में बढ़ते हैं, समझ गए? सेकंड स्लाइड चलो, है प्रोनाउन। एक्चुअल में प्रोनाउन होते क्या है जानना चाहिए, देखो बताना चाहूँ मैं,
तो प्रोनाउन कुछ नहीं होते, ये जो नाउन के देखो प्रोनाउन, यहाँ पर समझना थोड़ा बता दूँ और डिटेल कर देता हूँ आपको। प्रो का मतलब होता है के लिए, प्रो मतलब होता है फॉर, थोड़ा और डिटेल्स चलो फॉर। नाउन मतलब होता है संज्ञा, फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी कि संज्ञा के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, संज्ञा के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए लिखा गया इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बताओ इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझ में आ रहा हो तो बताना, नहीं आ रहा फिर भी बताना, फिर उसके बाद अलग तरीका बताया जाएगा आपको। चलो ये समझ में आ गया ना। जैसे मैं बार बार क्या होता है रिपीटेशन रोका जाता है नाउन को। जैसे मैं लिखूंगा शशि इज अ गुड बॉय, शशि इज अ बैड बॉय, शशि इज अ टीचर, शशि इज अ समथिंग एल्स, शशि इज अ एडिटर, शशि इज अ समथिंग, तो कितना बोरिंग लगता है। तो उसी को रिपीटेशन रोकने के लिए एक चीज को लाया गया ग्रामर की दुनिया में जिसका नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है साथियों? प्रोनाउन। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साथियों एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव। अब समझना इसके पीछे एक रूल है, यहाँ है ना सेकअप। देखो अब देखो, जब कभी भी दुनिया में कभी भी आपको एक चीज मिली ए और जे के बीच में आपको डी दिखाई दे दे, तो इस डी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लिखते जरूर है लेकिन डी को नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हम लोग एक वर्ड करते हैं यूज एडजस्ट, हम लोग क्या बोलते हैं एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट एडजस्ट नहीं, ये डी को हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एडजस्ट। क्या पढ़ेंगे? एडजस्ट। हाँ एजेंस्ट, एक एजेंस्ट भी होता है वर्ड, तो इस तरीके से भी वर्ड होते हैं जो आपको समझना होगा। चलो साथ साथ ही प्रोनाउंसिएशन भी सीखते चल रहे हैं ना। चलो बात कर लिए साथियों हम लोग एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है साथियों? क्वालिफाई, क्या करता है? क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई द नाउन या प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव से ही एक डिटरमाइनर निकला हुआ पार्ट है, और डिटरमाइनर का ही पार्ट निकलता है एक आर्टिकल। एडजेक्टिव तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, एक डिटरमाइनर, एक आर्टिकल, उसी के पार्ट ही होते हैं। समझ रहे? पढ़ने के लिए मिल लेंगे आपको। समझो ये जो एडजेक्टिव होते हैं क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते। जैसे देखो ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, अच्छा कौन है? लड़का। अच्छा कौन है? बॉय। तो क्या कर रहा है? बॉय के बारे में क्या कर रहा? डिटेल्स दे रहा है, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है उस लड़का को, क्वालिफाई कर रहा है कौन? गुड। तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। किसको कर रहा है? तो बॉय। बॉय क्या आपका नाउन, तो क्या कर रहा है? क्वालिफाई द नाउन। जैसे एक हो जाएगा कि ही इज ए गुड, अच्छा कौन है? तो ही, ये क्या आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को क्या बोल सकते हैं साथियों? क्वालिफाई द नाउन या प्रोनाउन। समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना, मैं लिख लिख के बता दूंगा, समझो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि ही इज अ गुड बॉय, ये गुड क्या आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कैसे मानेंगे? क्योंकि नाउन को कौन अच्छा है, जैसे कहना कौन अच्छा है, तो लड़का, लड़का का डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। इसलिए गुड क्या था? इस नाउन को क्या कर रहा था? क्वालिफाई कर रहा था। एक और सेंटेंस में लिखा ही इज गुड, वह अच्छा है, तो कौन अच्छा है? तो हु, किसके लिए? ही के लिए आ रहा है, तो ही क्या आपका प्रोनाउन है। तो कह रहे हैं कि प्रोनाउन को भी क्या कर रहा है साथियों? ये आपको क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव आ गया समझ में? चलो इसके बाद है वर्ब। जैसे वर्ब क्या क्या होता है? एक्शन के भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ब इज एक्शन, एक्शन वर्ड। नो, हैपनिंग को भी तरस आता है साथियों। जैसे हम लोग बोलते क्या? आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, तो हैपनिंग बता रहा है। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, तो हैपनिंग क्या होता है? हैपनिंग को भी दर्शाता है। पोसेशन, आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब है, तो पोसेशन वाला भी वर्ब हो गया। जैसे एक्शन वाला, राम इट ए मैंगो, तो इट क्या है? एक्शन के काम कर रहा है। तो जो वर्ब क्या होता है, तीन फॉर्म में दिखाता है, एक तो हैपनिंग, पोसेशन एंड एक्शन। समझ रहे हो ना? जो भी कुछ नया पढ़ना मुझे बताना साथियों, आपके लिए कुछ कुछ ऐसे चीजें होंगे जो न्यू होंगे, कहीं ना कहीं आप नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ सर मुझे आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। लग जा भाई यार, मजाक ना किया करो। चलो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एडवर्ब। क्या है एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे
ही रन वेरी फास्ट. अब बताना तेज कौन दौड़ता है, बहुत तेज. तेज तेज क्या है, तो तेज दौड़ता है. क्या है, तेज दौड़ता है, यानी कि दौड़ना के यानी कि रन को क्या करता है, फास्ट क्वालिफाई करता है. कितना, तो वेरी. कितना को जो होता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं. ये जो फास्ट है, एडवर्ब है, वह क्या तेज, वह बहुत क्या तेज है, तो बहुत तेज दौड़ता है. क्या करता है, तेज दौड़ने के काम करता है. तो यहाँ पर रन क्या, रन को क्या करता, फास्ट क्वालिफाई करता. जब पढ़ोगे चैप्टर ना तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा. अभी बता दे रहा हूँ आपको, नुस्खा दे दे रहा हूँ आपको, हथियार दे दे रहा हूँ, समझ जाओ एक्चुअल में कौन क्या रोल करता है आपका, इसका क्या रोल है. आप उसका मुखौटा देख लो, उसका एक चेहरा पहचान लो. कभी भी आपको मेले में मिले तो पहचान लो कि ये चोर है कि ईमानदार है कि क्या है, इस तरीके से. अदर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कुछ नहीं होता साहब. तो बहुत आसान टॉपिक है, बशर्ते जब आप इसे समझने की प्रयास करोगे तब. समझ रहे हो ना, देखो प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है. रिलेट मतलब जैसे आई गो टू मार्केट. देखो टू आपका प्रीपोजिशन है, इस वर्ब और इस नाउन के बीच में रिलेशन दर्शा रहा है. क्या करना, इस वर्ब और इस बीच को क्या करना, रिलेट करवा रहा है. और रिलेट कुछ नहीं करवा रहा है, इस गो यानी वर्ब. अब देखो इस प्रीपोजिशन के पहले जब भी क्या आ सकता है, या तो वर्ब आ सकता है, ये तो एडजेक्टिव आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है. देखो यहाँ पर वर्ब था गो, लेकिन इस प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो नाउन ही आएगा. कभी भी दुनिया में याद रखना, जब भी आएगा तो नाउन आएगा इसके बाद. आँख मूंद करके रूल याद कर लो. चलो बात समझ में आ गया ना. तो प्रीपोजिशन क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है. आ जाओ प्यार भरा एक और चीजें देख लेता हूँ. प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है, एक कनेक्ट करता है वर्डों को, कनेक्ट. जैसे मैंने लिख दिया राम एंड श्याम. देखो श्याम भी एक वर्ड है, राम भी एक वर्ड है. एंड क्या किया, इन दोनों वर्डों को जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया. तो इसी को बोलते हैं कंजंक्शन. बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे, बस प्यार द्वारा से ही बना रखो. और शुरू से देखो, देखो यहाँ आर्टिकल जो बच्चे कर रहे थे, आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्सा नहीं होता, उनके लिए जोड़ दिया. देखो आर्टिकल इट इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है. ये मैंने बता दिया पहले ही. चलो इसके बाद नाउन आ जाते हैं, जो कि आपको अगले कल वीडियो में. अभी बहुत कुछ बताना है, नाउन अभी नहीं पढ़ाएंगे. मैं सोचता हूँ डायरेक्टली नाउन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको और भी कुछ बताना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हैं जिनको बेसिक की अभी वह भी नहीं आता है. ये सब, ये अभी सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ था, ये आपके जड़ पे काम कर रहे थे, ये आपका बेस था. जो ही बच्चा अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो जो नंबर चल रहा होगा ना वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. क्या लिखोगे, ज्वाइन ENG लिख करके मैसेज करोगे. और ये ऑफर पता अभी चल रहा है, 40% शायद या 50% अभी ऑफ मिलेगा. आई थिंक डैट कोर्स के रेट तो बढ़ चुका है, फिर भी आपको ऑफ मिलेगा. जो अभी कोर्स के रेट बढ़ा उसमें भी आपको छूट मिल जाएंगे. तो आप ये लिख करके भेज दीजिए. ये लगभग 18-19 तक ये रहेंगे वैलिडेड, यानी दो दिन तक लगभग, जब तक डेमो चलेंगे, जब तक यूट्यूब पे, तब तक ये वैलिड रहेंगे. तब तक आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा. आप कहते ना ये मौका दोबारा नहीं आएगा. अगर आप मैथ ज्वाइन करना चाहते हो, मैथ की बेसिक, मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, तो मैथ वाले भी कोर्सेज जाकर ज्वाइन कीजिए. सब कोर्सेस आपके लिए बहुत फायदेमंद है, सब में आपके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल से काम किए जाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ. और एक बात और जान लो, कोई भी आप कोई सोचते होंगे ना कि कोर्स आपको परचेज करवा करके सिलेबस ख़त्म होगा कि नहीं होगा, तो देखो साथियों आपसे ज़्यादा, अब क्या देते हो 200 रुपये 300 रुपये, आपसे ज़्यादा मेरे को टेंशन होता है, हम लोगों को टेंशन होता है, हमारे टीम को टेंशन होता है कि आपकी जो भी कोर्स लिए हो, जो बच्चे भी कुछ ट्रस्ट करके हमारे ऊपर, हमारे ऊपर कुछ ट्रस्ट किए, इससे हमारे खर्चा नहीं चलते साथियों. जब सोचते हो 150 या 200 रुपये कुछ पे करते हो, उससे ज़्यादा तो मैं इसमें किताबें दे दिया हूँ, 400 के 300 के ऊपर किताब दिया हूँ. पे कितना करते हो आप, किए हैं आप लोग 199, कब तक था वो ऑफर था, लेकिन अभी आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये नहीं सोचना है साथियों कि हम पे कर रहे हैं तो ऐसे वैसे, नहीं. आप जितना पे करते हो उससे ज़्यादा हम लोग एफर्ट लगा होता है उसमें, कुछ ज़्यादा मेहनत होते हैं हम लोग. कई ऐसे रातें होते हैं कि 3 भी बच जाते हैं, आप लोग जानते नहीं हो कितने, 4 भी बच जाते हैं. हम लोग जानते हैं क्या मेहनत होता है, क्या होता है.
तो आपसे ज्यादा हम लोग को टेंशन होता सिलेबस खत्म करने के लिए। और ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ का था। आप जाकर के प्रीपेयर स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए और इंश्योर करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ थोड़ी सी बातों मानी कोर्स को ज्वाइन कीजिए, मैथ्स को, इंग्लिश के, जो भी कोर्सेस आपको लेना हो, तो दोनों में से मैथ आपको नहीं आता तो मैथ ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश ज्वाइन कीजिए, चाहो तो दोनों कोर्स भी ज्वाइन कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें विदा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।